नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान का जबलपुर आगमन हुआ, जहां उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं उनके जिला अस्पताल आगमन पर चिकित्सकों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत सत्कार किया गया, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में बनने वाली नई बिल्डिंग भवन के संबंध में चिकित्सकों से जानकारी ली और कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान ने आर्किटेक्ट को फटकार लगाई है। ऐसा कहा जा रहा है कि भवन निर्माण की प्रॉपर प्लानिंग ना होने को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। इसके साथ साथ उन्होंने जिला अस्पताल में बनने जा रही है नई बिल्डिंग को लेकर यह कहा कि 150 बेड की पूर्ण व्यवस्था के साथ यह नई बिल्डिंग बनी है, जिसे लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। आज ACS महोदय श्री मोहम्मद सुलेमान जी ने जो बनने वाली बिल्डिंग है उसका निरीक्षण किया और उसको देखा। उसमें जो भी उनको लगा कि उनको ये बदलाव करने चाहिए, उन्होंने बदलाया और उन बदलावों को हमने नोट किया और हम कुछ बदलाव करेंगे उसमें। सर, क्या औचक निरीक्षण था या? नहीं, औचक निरीक्षण नहीं था, हमें मालूम था कि वह निरीक्षण। और क्या कुछ साफ सफाई को लेकर भी उन्होंने कहा निर्देश? नहीं, उन्होंने कहा कि रीजनेबली साफ हॉस्पिटल है, साफ सफाई में उन्होंने संतोष जाहिर किया। कौन कौन मौजूद थे? उनके साथ कमिश्नर महोदय डॉक्टर सुदाम खाड़े मौजूद थे, डॉक्टर संजय मिश्रा रीजनल डायरेक्टर मौजूद थे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।